अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरों पर हमारे खास कार्यक्रम 10 मिनट 20 खबरों में। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार दो सगे भाइयों को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद लोडर गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना जरिया थाना क्षेत्र के बरगवा ममना रोड की बताई जा रही है। हरदोई जिले के महिला जिला अस्पताल पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला अस्पताल में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका मंत्री सुरेश खन्ना ने अवलोकन किया। इससे पूर्व मंत्री सुरेश खन्ना ने वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान सदर विधायक, जिला अधिकारी, एसपी, सीडीओ और सीएमओ सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी के वर्करों ने सैलरी न मिलने पर डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। वर्करों के अनुसार पिछले 4 महीने से कंपनी नहीं खुली है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप भी लगा है, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। पूरा मामला फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 63 में स्थित कंपनी का बताया गया है। मामला कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दूल्हा बारातियों को लेकर दुल्हन को ब्याह ने उसके घर पहुंचा था कि वहीं उसकी फेसबुक या प्रेमिका पुलिस को लेकर आ धमकी और प्रेमी की शादी देख प्रेमिका भड़क उठी। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस दूल्हे को पकड़कर थाने ले गई। फेसबुक या प्रेमिका का आरोप है कि युवक ने उसके साथ 2008 में आर्य मंदिर में शादी रचाई थी और अब वह दूसरी जगह शादी करने जा रहा था। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली विभाग में तैनात कर्मचारियों का विद्युत उपकेंद्र पर दारू और मुर्गा पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में बिजली विभाग के कर्मचारी खाना बनाते हुए सरकारी कार्यालय पर दारू पार्टी करने में मस्त हैं। वायरल वीडियो जसराना के बनबारा का बताया जा रहा है। जनपद संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। जन्मदिन का कार्यक्रम पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव के आवास पर मनाया गया, जहां बिना मास्क के कार्यकर्ताओं ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले इंस्पेक्टर संजीव यादव की कोरोना के चलते दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में मौत हो गई। संजीव यादव दिल्ली स्पेशल सेल में तैनात थे और पिछले 13 दिन से मैक्स हॉस्पिटल में उनका कोरोना का इलाज चल रहा था। इंस्पेक्टर संजीव यादव की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें, इसी साल इंस्पेक्टर संजीव यादव को बहादुरी के लिए राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लॉकडाउन में लगातार 79 दिनों तक बानर सेवा करने वाले चित्रकूट के वरिष्ठ पत्रकार शंकर यादव सहित तमाम पत्रकारों और समाज सेवियों को चित्रकूट बार एसोसिएशन अध्यक्ष हेमराज सिंह ने फूल मालाओं से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र भी दिए। इस दौरान अधिवक्ता संघ के समस्त वरिष्ठ अधिवक्ता साथी मौजूद रहे। जनपद अलीगढ़ में घर से सरकारी नौकरी पाने के लिए एसएससी का फॉर्म भरने गए युवक का शव बंद पड़े पॉलिटेक्निक स्कूल के कमरे में लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला। युवक की गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम के साथ घटना की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर देहात में रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में असालत गंज रोड पर एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने ग्रामीण युवक के शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जल्दी घटना का खुलासा करने का पुलिस दावा कर रही है।